Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Classes. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friend, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान के नियम और बनाने के नियम, ठीक है फ्रेंड्स? और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे उस टेंस को. तो आज हम जानेंगे कि उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, आप लोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स का फार्मूला तो जानते होंगे, क्योंकि मैंने बेसिक में जो भी आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के फार्मूले बताए हैं, वही फार्मूले हर जगह लागू होते हैं. कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, सेम के सेम वही सब फार्मूले होंगे. और मैंने आपको बेसिक में सारा इस्तेमाल बताया था, हैज हैव का और डू डज का भी इस्तेमाल बताया था मैंने, कि डू डज का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं. तो आज के जो टेंस में हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स जानेंगे, उसमें भी डू और डज ही लगाकर बनाते हैं. तो आइए देखते हैं एक एक करके. नेगेटिव पे सबसे पहले हम नेगेटिव का जो फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डोंट और डजंट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे. आपको अच्छी तरह से भी पता होगा कि डोंट यानी डू कहाँ लगाते हैं और डज कहाँ लगाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो वह चाय नहीं पीता है, वह सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, यानी एक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम डज लगाएंगे. ही डजंट टेक टी. मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ. मैं सिंगुलर नंबर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, यह फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम इसमें डू लगाएंगे, यानी कि डोंट. आई डोंट नो इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड? अभी हम इसका इंट्रोगेटिव लेते हैं. इंट्रोगेटिव पता ही है आपको कि इंट्रोगेटिव मैंने क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस. तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं. तो इस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए हम डू डज लगाते हैं सबसे पहले. तो क्या हुआ, स्कूल जाता है, तो वह है, इसके लिए डज लगाएंगे. डज ही गो टू स्कूल. अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि डज लगाया यहाँ पर हमने, तो पहले मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस क्रिया में एस आई एस लगता है, लेकिन यहाँ पर हम एस आई एस नहीं लगाएंगे. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स में एस आई एस वर्ब के साथ हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डज लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम एस आई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड? इतना याद रखना. ये क्या वे लोग मुझे जानते हैं, तो क्या वे लोग थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें डू लगाएंगे. डू दे नो मी. अभी क्वेश्चन वर्ड लेते हैं. क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. सिंपल है फ्रेंड, इसको आप देख लो एक बार अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल है. तुम कब जागते हो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हेन, फिर तुम है इसलिए डू, यू, वेक अप. तुम्हारे पिताजी कब आते हैं, तो तुम्हारे पिताजी इज द सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन, यानी कि एक की बात कर रहे हैं हम और तीसरा आदमी है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसमें डज लगाएंगे. तो तुम्हारे पिताजी कब आते हैं, व्हेन डज योर फादर कम, ठीक है फ्रेंड? आप इसको लिख लो फॉर्मूला और सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है फ्रेंड? तो इसको मैं मिटाता हूँ. अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स बता रहा हूँ, नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव बताऊंगा. जैसे मैं इंट्रोगेटिव लेता हूँ, क्या वह अंग्रेजी नहीं जानता है, तो डज ही नॉट नो इंग्लिश.
या डजंट ही नो इंग्लिश? ठीक है फ्रेंड, क्या वो अंग्रेजी नहीं जानता है? तो डज ही नॉट नो इंग्लिश बोल सकते हैं, या हम डजंट ही नो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट फॉर्म, सारे के सारे वर्ड्स जितने भी हेल्पिंग वर्ड सबका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया है कि कैसे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तुम्हें तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें कौन पढ़ाता है? तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन सब्जेक्ट है, इसलिए हम सबसे पहले हु लिखेंगे और इसमें हु डज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही हु आता है, इसलिए यहाँ पर डज नहीं लगाएंगे। हु टीचेज यू? ठीक है, और तुम किसे पढ़ाते हो? तुम किसे पढ़ाते हो? तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे? हु डू यू टीच? इतना याद रखना, ये समझने वाली बात है। इस तरह के सेंटेंस में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो लोग हु डू यू टीच बोलते हैं, बट हु डू यू टीच का मतलब होता है तुम किसे पढ़ाते हो, मतलब तुम किसको पढ़ाते हो। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के सेंटेंसेस पर आप ध्यान रखना थोड़ा और इसको समझ लेना अच्छी तरह से। ठीक है फ्रेंड, ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स कैसे बनाते हैं हम लोग। फिर भी हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे सेंटेंसेस है कि वह कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले? तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप? वे लोग कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू? तुम्हारा भाई किस क्लास में पढ़ता है, इन विच क्लास डज योर ब्रदर स्टडी? तुम सुबह क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग? तुम किसे पसंद करते हो, हु डू यू लाइक? तुम्हें कौन पसंद करता है, हु लाइक्स यू? क्या वह मुझे जानता है, डज ही नो मी? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम्हारी बहन अंग्रेजी जानती है, डज योर सिस्टर नो इंग्लिश? मैं दूध नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक मिल्क। वह गीत नहीं गाता है, ही डजंट सिंग अ सॉन्ग। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी होंगे समझने के लिए और आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। तो आज तक के लिए इतना ही, और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।